कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक इरफान सोलंकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक साहब अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए हैं और एक महिला उनसे किसी बात को लेकर फरियाद लगा रही है। पहले देखिए इस वीडियो को। छोड़ के चले जा रहे, क्यों आते, क्यों बनवाई, हमें इंसाफ चाहिए, भारत की बेटी को इंसाफ दो, वरना चुटू मत पानी में डूब मरो, भारत की बेटी को इंसाफ दो, वरना चुटू मत पानी में डूब मरो, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ इंसान मिर्जा के बेटे ने मारा पीटा है, हमसे उनके मदद मांगने गए थे, मेरे हम बीमार हैं, मेरे इलाज के लिए पैसा दे देगा, हमें हमें इशाद मिर्जा के बेटे को, वो इशाद मिर्जा के बेटे को उसको गिरफ्तार चाहिए, उसकी गिरफ्तारी चाहिए, हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए, अप्लीकेशन दो लोग जाने, आप लोग बाहर पाएंगे कहाँ जाके, हेलो बहुत आप शादी हैं, आपके पास बहुत अच्छे आपके कदम धब्बा है, देखिए क्या हो रहा है, तो देखा आपने, सपा विधायक इरफान सोलंकी अपनी गाड़ी में बैठे हैं और एक महिला उनसे फरियाद लगा रही है, बार बार न्याय की मांग कर रही है, लेकिन विधायक साहब के सिक्योरिटी गार्ड से बर्दाश्त नहीं हुआ और गार्ड ने महिला को धक्का देकर वहां से हटा दिया और चलते बने, लेकिन महिला चिल्लाई और विरोध किया। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि महिला किसी की गिरफ्तारी करने के लिए बोल रही थी। मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, मैं जाने लगा तो महिला आई मेरे पास, उस महिला ने हमसे इरशाद मिर्जा साहब के लिए कहा कि इरशाद मिर्जा के लड़के ने मुझे मारा और उसको आप पकड़ लिए। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं किसी को पकड़ नहीं सकता हूँ। मैंने उससे ये कहा कप्तान साहब नहीं है, बहन तुम बाद में आना, कहा और वो नारे लगाने लगे, मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। अब मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ, मेरी गाड़ी के अंदर घुसती जा रही वीडियो, अगर आप सच में इंसान है तो जरूर वीडियो दीजिएगा। मेरी गाड़ी में पैर रख के खड़ी हो गई महिला है, खुदा ना खास्ता आप पीछे खड़े हो, वो अपने कपड़े फाले, आपसे ये कहे कि विधायक जी ने मेरे कपड़े फाल लिए, विधायक जी ने मेरे कपड़े, तो आप ये तो कहोगे विधायक जी ने, भाई तो वो गनर मेरी सुरक्षा के लिए, तो उसने मेरे गनर ने उसको हटाया, वो तो चलो ठीक है। महिला आप कह रहे हो मुस्लिम, जैसे हमारे ये भाई ने कहा मुस्लिम समाज, बात अपमान मुस्लिम समाज और हिंदू समाज से नहीं होता, बात ये है कि आपकी कोई अधिकार नहीं बेइज्जती करने का। तो सुना आपने, विधायक ने कहा कि गिरफ्तारी का काम पुलिस का है, लेकिन महिला बदतमीजी करने लगी और जिस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सुरक्षा उनके गार्ड करते हैं, ठीक उसी तरह से गार्ड ने मेरी सुरक्षा की है। वही महिला का कहना है कि मुझे कई बीमारी हैं, इसलिए उर्शला में चेकअप कराया था। साथ ही महिला का आरोप है कि कानपुर के इरशाद मिर्जा के बेटे शाहिद मिर्जा ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मेरा मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जब मैं विधायक के पास फरियाद लेके गया तो मुझे गाली देकर भगा दिया और गार्ड ने धक्का मारकर वहां से हटा दिया। विधायक से मिले, विधायक गाड़ी लेके चले, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे, विधायक ने एप्लीकेशन नहीं ली, वो विधायक थे, इरफान के इरफान सोलंकी के खिलाफ FIR दर्ज करो, क्यों उन्होंने मेरी सुनी क्यों नहीं, शाहिद मिर्जा ने, अभी किसने की आपके साथ मारपीट, अभी नहीं, शाहिद मिर्जा के बेटे ने की, हाँ अभी एक उनका चमचा कोई खड़ा था, उसने हमको धक्का दिया था, आप सब देखने वाले हैं, मारा नहीं था, हम झूठ नहीं बोलते, मेरी लड़ाई सच की है और सच की रहेगी, हम झूठ नहीं बोलते, हमको कस के धक्का दिया और मारने की कोशिश की थी कि हटो मेरे साहब जा रहे हैं, मारा नहीं था, कोशिश की थी, मारना और धमकी देना एक ही बात है, हमको मारा था, हमें इंसाफ चाहिए। महिला का कहना है कि SSP ऑफिस में ही विधायक मिल गए तो उनसे शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उनके गार्ड ने धक्के मारकर वहां से भगा दिया। अब देखना होगा कि वीडियो के वायरल होने के बाद कोई नेता या कोई अधिकारी संज्ञान लेगा या नहीं। पंजाब केसरी TV के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।